very good morning to all of you students. Now we are going to study about the modernization. बेटा आज हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे और मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न वर्ड से ही ड्राइव्ड हुआ वर्ड मॉडर्नाइजेशन। इसे हम एक जनरल सेंस के अंदर चेंज कह सकते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द ग्रोथ। आप इस मॉडर्नाइजेशन को तीन तरह से जान सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन मीन्स चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज चेंज इन द ग्रोथ। तो यहां पर मॉडर्नाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इट रेफर्स टू अपडेशन एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मैंने अभी आपसे कहा, मैंने तीन पॉइंट बताया आपको, तीन में से यहां पर एक पॉइंट, दो पॉइंट डिस्कस किए गए कि इट रेफर्स टू द अपडेशन के किसी भी चीज को अपडेट करना एंड एडॉप्शन और उसे स्वीकारना ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ करने के टाइम में। अब यहां पर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ का मतलब हो गया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और ये भी कह सकते हैं कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन, साइंस हैज ऑफर्ड अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये भी निकाल सकते हैं आप कि मॉडर्न एज में, आधुनिक काल के अंदर जो साइंस है, विज्ञान है, इनोवेशंस हैं, नई रिसर्चेस हैं, उन्होंने ऑफर किया है नई तरीके को इस्तेमाल करने के लिए। जो साइंस है वो हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है किसी काम को करने के लिए। तो यहां पर ये बात बताई गई है कि साइंस हैज ऑफर्ड क्या चीज दी है, साइंस अस न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, नए काम करने के तरीके। और इसी तरीके से क्या होता है कि प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, ग्रोथ प्रोसेस के अंदर बढ़ोतरी होती है। और यहाँ बताया गया कि प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज हैज शोन एन एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम। बता दिया गया कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती हुई, जब मॉडर्नाइजेशन साइंस ने नई नई तकनीक हमें दी, तो हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी के अंदर, जो फार्म लैंड्स के अंदर होती है प्रोडक्टिविटी और फैक्ट्रीज के अंदर होती है गुड्स को सप्लाई करने के लिए, उन्होंने ये दर्शाया है एक्सपोनेंशियल राइज ओवर टाइम, ये दिखाई दिया है कि ये चीज एक्सपेंड हुई है, बढ़ोतरी हुई है इसकी। और आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। बताया गया कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर चेंज इन टेक्नोलॉजी भी है, चेंज इन रिसोर्सेज भी है, चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भी है और चेंज इन द ग्रोथ भी है। तो यहां पर यही बात बताई गई है कि आउटपुट इन प्रोडक्शन जो है कैन बी इंक्रीज, बढ़ सकता है आइदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो साधन हमारे पास अवेलेबल हैं उनको भी बढ़ा सकता है, और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और हम टेक्नोलॉजी को यूज करके उसके अंदर बदलाव करके, रिसोर्सेज के अंदर बढ़ोतरी करके, हम समझ लीजिए एक तरह का मॉडर्नाइजेशन ही कर रहे हैं। इस टॉपिक के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसे हम अभी डिस्कस करेंगे। बेटा अब हम इसका लास्ट टॉपिक सेल्फ सफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता को डिस्कस करेंगे। यहां पर आत्मनिर्भरता क्या है, आत्मनिर्भरता का मतलब
किसी भी कंट्री का अपने रॉ मटेरियल से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स तक का प्रोसेस खुद करना, अपने डोमेस्टिक गुड्स को अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल कराना, तैयार करने के बाद यह सेल्फ सफिशिएंसी, उसे किसी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, उसे किसी पर डिपेंड होने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम सेल्फ सफिशिएंसी को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, अपने आप में आत्मनिर्भर होना। इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। यहाँ पर उसने सेल्फ सफिशिएंसी को यह कहा है कि वो कंट्रीज जो अपने आप में फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, किसी से उसका इंपोर्ट नहीं करते, उसको अपने मार्केट के अंदर सेल करते हैं, अपने यहाँ के कस्टमर को बेच देते हैं, वो अपनी ज़रूरत को पूरा करता है, इसे सेल्फ सफिशिएंसी। और ये उद्देश्य जो है वो हमारे यहाँ पर जब से फर्स्ट फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, अब तो खैर 12th फाइव ईयर प्लान है, लेकिन जब से फर्स्ट फाइव ईयर प्लान डेवलप हुआ, जब से अब तक ये गोल, इसको प्रायोरिटी दी गई है और ये कहा गया है कि हर गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर एक प्रोड्यूसर को, एक मैन्युफैक्चरर को क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना। ये बेनिफिट है कंट्री की ग्रोथ के लिए और इसी को फर्स्ट सेवन ईयर प्लान के अंदर प्रायोरिटी दी गई कि जब फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बना, फिर सेकंड फाइव ईयर प्लान बना, फिर थर्ड बना, ऐसे ही सेवन प्लान बने, फाइव ईयर प्लान, उनके अंदर इसको प्रायोरिटी दी गई कि सेल्फ सफिशिएंसी जो है फूड ग्रेन्स की वो कंट्री के अंदर होनी चाहिए। द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि इस पॉइंट से कोई भी अदर कंट्री का पॉलिटिकल प्रेशर उस कंट्री के ऊपर ना हो, ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो उसके इंपोर्ट पर डिपेंड न करती हो, अपने रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बदलने तक और उसको अपने सिटीजन्स को अवेलेबल कराने तक वो डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। और ये बात क्यों कही गई है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड्स, यानी कि हम अपने आप में कैपेबल रहें, सक्षम रहें कि हम जो इतनी भी एसेंशियल गुड्स हैं, जो डेली यूज के गुड्स हैं, जिन्हें हर कस्टमर उसे परचेज करना चाहता है, अपनी डेली नीड को पूरा करना चाहता है, उन गुड्स की सप्लाई हम खुद करें। इंडिया जो है इस मामले में सेल्फ सफिशिएंट है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ये कहा गया है कि इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टू अवॉइड द अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाई फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, जो फूड ग्रेन की वो सप्लाई करता है, उसे जो है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर, यानी और कंट्रीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो इसी तरह के अनसर्टेन प्रोडक्शन को, यानी कि जो इम्पोर्ट करना है, उसे अवॉइड करना है। इसलिए कहा गया कि सेल्फ सफिशिएंट होना किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मॉडरेशन इम्पोर्टेंट है, कि जब हम उसके द्वारा अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, अपने आउटपुट के अंदर चेंज चाहते हैं, तो उसी के साथ साथ उसमें चेंज करने के साथ साथ हम खुद सेल्फ सफिशिएंट भी हों अपने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारे ही प्रोडक्शन पर, हमारे ही मैन्युफैक्चरिंग पर, हमारे ही क्या कहना चाहिए, जरूरतों पर, हमारी ही इनकम पर डिपेंड रहे, हम किसी अदर
कंट्री के ऊपर उन गुड्स की इम्पोर्ट पर उस फॉरन कैपिटल पर डिपेंड न रहे। ये चीज जो है आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए, मॉडर्नाइजेशन एंड द सेल्फ सफिशिएंसी। आप इसे पढ़ेंगे और कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।